आखिरकार दो साल के इंतजार के बाद आज टकनपुर से चलकर पहली बार ब्रॉडगेज की ट्रेन पीलीभीत पहुंची। टकनपुर से इस स्पेशल ट्रेन को केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टमटा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। कल से चार जोड़ी ट्रेनें पीलीभीत से टकनपुर के लिए दौड़ेंगी, जिससे पूर्णागिरी जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। इस ट्रेन से पीलीभीत पहुंचे लोगों ने खुशी का इजहार किया। साथ ही यात्रियों का कहना है कि हरिद्वार व देहरादून के लिए भी ट्रेनें चलाई जाएं। गौरतलब है कि टकनपुर व पीलीभीत रूट पर ब्रिटिश दौर से छोटी लाइन की ट्रेनें संचालित थी। दो साल पहले बड़ी रेल लाइन का कार्य शुरू किया गया था, जिसके बाद इस रूट पर ट्रेनों का संचालन बंद हो गया था। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सदर सैफी की रिपोर्ट। जगदीश प्रसाद। जगदीश जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? टनकपुर से जी। कैसा लग रहा है, ट्रेन चली है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ट्रेन बहुत फर्स्ट क्लास चली है। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना जा रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। हम माँ पूर्णागिरी के दर्शन करके जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आज ये ट्रेन चली, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये ट्रेन चली है बड़े सौभाग्य की बात है, क्षेत्रीय जनता के लिए भी और साधु संतों के लिए, व्यापारी के लिए और सभी जितने श्रद्धालु लोग हैं, अपने व्यापारी लोग हैं, सभी की इसमें सहानुभूति है। सभी का सहयोग रहेगा तो ट्रेन और भी बढ़ेंगी। अभी हरिद्वार देहरादून के लिए और दिल्ली के लिए अजय टमटा जी ने आश्वासन दिया है जल्द ट्रेन चालू कराने। अच्छा। आज सिर्फ उद्घाटन होगा, टनकपुर से चलेगी ट्रेन 12 बजे और यहाँ 13:40 पर आएगी। इसके बाद पैसेंजरों के लिए कल से ट्रेन चलेगी, चार जोड़ी ट्रेनें हैं। ये ट्रेन पीलीभीत से टनकपुर के बीच चलेगी।